दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट हम कैसे ओपन करेंगे, क्योंकि आपको HDFC में जीरो बैलेंस अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, चेकबुक बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, बैंक पासबुक आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और आपको HDFC जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने पर आपको कोई भी पैसा मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैलेंस आपको मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप भी एक HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर आपको हमेशा क्वालिटी के साथ साथ विश्वास मिलता रहता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम बिल्कुल फ्री में HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे। दोस्तों HDFC बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में सर्च करेंगे HDFC बैंक मोबाइल बैंकिंग, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, देन इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिन्हें आपको अलाउ करना रहेगा, उसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर दोस्तों एक आपको ऑप्शन मिल जाता है, नीचे आप देख सकते हैं ओपन अकाउंट का, आप ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप HDFC में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको HDFC बैंक की तरफ से एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा, एक चेकबुक दी जाएगी, इसके साथ में दोस्तों आपको लोन के कई ऑफर्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर को फिल कर देना है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे एंड यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आपके इस मोबाइल नंबर पर OTP सेंड की गई है, वो OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। HDFC में दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको अकाउंट को ओपन करना है, चूज करना है, देन ब्रांच को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में KYC किया जाएगा, डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाएगा, यहाँ पर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, देन एड्रेस फिल करना होगा और इसके बाद में सक्सेसफुल अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पर हमें 6 टाइप के अकाउंट देखने को मिल रहे हैं। पहला अकाउंट मिल रहा है रेगुलर सेविंग अकाउंट, दूसरा मिलता है यहाँ पर सेविंग्स मैक्स अकाउंट, तीसरा है यहाँ पर सीनियर सिटीजन अकाउंट और यहाँ पर फोर्थ पे वोमेंस सेविंग्स अकाउंट और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 5th पे यहाँ पे मिल जाता है डीजी सेविंग यूथ अकाउंट्स और यहाँ पर सेविंग्स मिनी अकाउंट, जो दोस्तों आपको सोशल मीडिया पे बताया जाता है कि जीरो बैलेंस आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि कौन सा हमारा जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्योंकि HDFC में आपको 6 टाइप के अकाउंट ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर रेगुलर सेविंग अकाउंट को अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है एवरेज मंथली बैलेंस इनटू बी मेंटेनेड आपको रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन ब्रांच से हो तो आपको 10,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। यहीं पर अगर आप सेमी अर्बन से हो तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। यहीं पर अगर आप रूरल ब्रांच से हो तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम रेगुलर सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये इतने पैसे मेंटेन करके रखने होंगे, हमने आपको बता दिया। इसके बाद में चलिए अगर जीरो बैलेंस अकाउंट कोई और होगा तो यहाँ पर हम सेविंग्स मैक्स अकाउंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपको 25,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। अगर यहीं पर दोस्तों हम यहाँ पर सीनियर सिटीजन अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें 5,000 रुपये मेंटेन करके रखने होंगे। यहीं पर अगर दोस्तों हम यहाँ पर वुमेन्स सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यहीं पर अगर आप अर्बन से हो तो 10,000 रुपये और अगर आप जो है रूरल ब्रांच से हो तो आपको 5,000 रुपये मेंटेन करके रखना होगा। चलिए यहाँ पर हम डीजी सेव कर लेते हैं तो डीजी सेव में भी दोस्तों आपको पैसे मेंटेन करके रखने हैं। सेविंग्स मिनी अकाउंट ओपन करते हैं तब भी हमको पैसे मेंटेन करके रखने हैं। तो दोस्तों किस बात का हम HDFC में जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो आपको सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का मकसद यह था कि हमने आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखा दिया है कि अगर आपने HDFC में जीरो बैलेंस अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप भूल जाओ, क्योंकि HDFC में कोई भी जीरो बैलेंस आपको अकाउंट नहीं देखने को मिलेगा। कम से कम आपको 5,000 रुपये बैंक अकाउंट में मेंटेन रखने की क्षमता अगर है तभी आपको अकाउंट ओपन करना है, अनदरवाइज आपको अकाउंट ओपन नहीं
करना है, कोई और भी आप बैंक देख सकते हो। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर हमेशा क्वालिटी के साथ साथ विश्वास मिलता रहता है। जो भी HDFC में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का लोग प्रोसेस बताते हैं उसकी डिटेल उसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको लाइव दिखा दिया है।